बहुत सारे विद्यार्थियों के एक कमेंट आए कि सर अगर हमें बोर्ड परीक्षा में कुछ भी ना आए तो हम क्या करें, किस तरह से हम एग्जामिनेशन की उस बाधा को पार करें जिसमें हमें एक एक मिनट एकदम पहाड़ जैसा लग रहा है। और बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही होता है, जब आपको पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं कुछ भी ना आए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये समय जल्दी से बीते और मैं जल्दी से अपने घर पहुंचूं। ये आपके मन में सवाल तब आता है जब आपको पेपर में कुछ नहीं आता, लेकिन आपको भी पता है कि आप निर्धारित समय के जो आपको अलॉटेड टाइम मिला है उसके बाद ही आप घर जा सकते हैं, तो आपके पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय ये कि पेपर में कुछ अपने माइंड का इस्तेमाल करके, ब्रेन का इस्तेमाल करके पेपर को अटेम्प्ट करें। आज मैं आपको वही टेक्निक बताने वाला हूं कि अगर आपको परीक्षा में कुछ भी ना आए तो किस तरह से कम पासिंग मार्क्स सुनिश्चित करें। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में आपकी स्टेप मार्किंग होती है, तो मैं आज आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपनी समस्या को सॉल्व करेंगे और बोर्ड एग्जाम की इस बाधा को जरूर पार करेंगे। स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। सबसे पहले जान लीजिए कि देखिए दोस्तों ऐसा सभी के साथ होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पेपर देने पहुंचते हैं और हम लोग ब्लैंक महसूस करते हैं। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, आपने तैयारी नहीं की है, तब तो ये समस्या आपके लिए और कठिन हो जाती है। तो इससे पार पाने के लिए आपका सिर्फ मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपको आपकी दो तीन चीजें काम आती हैं, वो है आपका खुद पर कॉन्फिडेंस, वो है आपकी थिंकिंग और वो है आपकी कुछ मास्टरमाइंड टेक्निक्स। तो मैं आज आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न पत्र आपको मिला, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, अब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो होगा क्या कि बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। कुछ को ऐसा होगा कि कुछ प्रश्न नहीं आ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको एक दो प्रश्न नहीं आ रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं आ रहा होगा, जिनको ये समझ नहीं आ रहा होगा या वो इतने नर्वस हो जाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के क्योंकि उनकी तैयारी कुछ भी नहीं है। ये बात वो जानते हैं, हर परीक्षार्थी जानता है कि मेरे बोर्ड के लिए तैयारी कितनी है, तो जब वो पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो वो नर्वस फील करेंगे। इसलिए उनको करना क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको आंसर फ्रेमिंग टेक्निक का यूज करना है। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था, बहुत सारे विद्यार्थियों को उससे मदद मिली थी, आप जाकर के उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ इस टेक्निक को समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया, अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑकर्ड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो अब आपके दिमाग में ये देखना है कि आपका एक कीवर्ड आपको मिल गया, आपके क्वेश्चन में आपको कीवर्ड मिला फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब आपको उसी कीवर्ड को खोजते हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहां से ओरिजिनेट हुआ, क्या आपके दिमाग में इमेज बन रही है, सिर्फ उसी कीवर्ड को यूज करके आप आंसर लिखिए। मैं आपको बताता हूं जब आपको प्रश्न ना आया करे तो आप क्वेश्चन को पढ़ें, और मैं आपको बताता हूं 90-95% प्रश्नों में कोई ना कोई कीवर्ड आपको जरूर मिलेगा, उसी कीवर्ड के अराउंड आप अपने आंसर को फ्रेम करिए, उसी कीवर्ड के अराउंड अपने आंसर को लिखिए। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जाए कुछ और आप कीवर्ड को ना पकड़ पाए। कीवर्ड पकड़ने के लिए मैं आपको बताता हूं आप क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़िए दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जरूर क्लिक करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जाते हो आपने कुछ पढ़ाई नहीं होगा, नहीं, कोई बात ऐसी होगी जो आपने टीचर की सुनी होगी, कोई बात अपने दोस्त से सुनी होगी, कुछ आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो वही चीजें आपको अपने दिमाग में रख करके उस आंसर को लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए आपके पास एक इंडिपेंडेंसी है, आप एक आजाद परिंदे हो कि आपको करना क्या है कुछ ना कुछ जरूर लिख देना है। ऐसा मत करिएगा कि क्वेश्चन को छोड़ कर आइएगा, क्योंकि आप भी जानते हो स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, मान लीजिए आपके पास 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में आपको अगर एक एक डेढ़ नंबर भी मिलता है तो बहुत आसानी के साथ आप पासिंग मार्क को जरूर स्कोर कर लोगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। आंसर फ्रेमिंग टेक्निक में एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप कीवर्ड को चूज करें तो उसी कीवर्ड पे ज्यादा हाईलाइट और फोकस करें, उससे इधर उधर मत भटके। कहने का मतलब एग्जामिनर को यह ना जताने दे कि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, आप उस कीवर्ड को पकड़िए, उसी कीवर्ड को अपनी सीढ़ी बनाइए, अब उसी कीवर्ड के सहारे आप पूरे आंसर को फ्रेम करके आंसर को लिख डालिए। दूसरी टेक्निक है विजुलाइजेशन टेक्निक। दोस्तों जब भी आप कोई मूवी देखते होगे तो आपको भले मूवी के कैरेक्टर्स ना याद हो, पर मूवी में क्या हुआ, किसने क्या चीजें की, वो आपको जरूर याद रहता है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको जिसमें विजुलाइजेशन की जरूरत है, जैसे मान लीजिए आपसे व्हाट इज रिफ्लेक्शन पूछा गया, तो कहीं ना कहीं आपने रिफ्लेक्शन का डायग्राम देखा होगा। आपको करना क्या है, अब रिफ्लेक्शन के बारे में आप जानते नहीं हो थ्योरेटिकली, तो आप लिख नहीं सकते,
पर आप डायग्राम के थ्रू इतने अच्छे समझा दीजिए कि ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, ये आपका प्लेन सरफेस है, बीच में आपकी नॉर्मल रे आ रही है, फिर रिफ्लेक्टेड रे जाती है, वहां से 90-90 डिग्री का एंगल बनता है, ये सारी चीजें नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर बनती है, तो ये सारी चीजें आप विजुलाइजेशन टेक्निक के साथ ही आप कर सकते हो। आपसे टेलीस्कोप पूछा गया तो आप विजुलाइजेशन के पावर से टेलीस्कोप बना के दे दीजिए। तो यही कुछ टेक्निक्स हैं, जब आपको परीक्षा में प्रश्न ना आए तो आपको यही करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ये समझ लीजिए कि अगर आप ये टेक्निक करते हो और साथ ही साथ जो थिंकिंग बेस्ड और वैल्यू बेस्ड प्रश्न आते हैं जिसमें आपको पूछा जाए कि विचार रखिए, तो इन सारे प्रश्नों में आपके पास एडवांटेज है। इसमें एग्जामिनर आपके विचार जानना चाहता है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव उस टॉपिक से रिलेटेड विचार रखिए जो आप उस बारे में सोचते हो। कहने का मतलब आंसर से कुछ रिलेटेड जरूर लिख करके आइए। अगर आप ये करते हो तो बोर्ड एग्जाम में आसानी के साथ आप पास होगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने व्यूज को कमेंट कीजिएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।